Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia, myself Lindsay Johnson. Today we are going to start with a new poem that is upon Westminster Bridge. This poem is written by William Wordsworth. William Wordsworth, born on April 7, 1770, was a major English romantic poet who was an honored poet laureate of the United Kingdom in the court of Queen Victoria from 1843 until his death on 23rd April 1850. So, ye William Wordsworth jo hai, inka janam hua tha April 7th, 1770 ko aur ye bahut hi famous English poet the aur inhe ek poet laureate ka award bhi diya gaya tha. Jab kahan par diya gaya tha? Queen Victoria ke yahan par in the year 1850 tak, wahan tak unko diya gaya tha. He is a leading English nature poet. एक नेचर से रिलेटेड पोएम्स लिखने वाले पोएट है. His collection of poetry, lyrical ballads, is considered as a central work of romantic literary theory. तो ये lyrical ballads, ballads का मतलब क्या होता है? एक स्टोरी को गाने के रूप में बताया जाना, that is ballads. तो lyrical ballads बहुत सारे collections इनके पास थे और ये काफी सारा romantic poems भी लिखा करते थे. Romantic poems not only based on love, but love relate not only between love between humans, but love for things also. City के लिए हो गया या किसी चीज के लिए हो गया, उसके related भी ये लिखते थे. The poem upon Westminster Bridge is one of the best examples of his romantic poems. इनके सबसे best romantic poem है upon Westminster Bridge. Upon Westminster Bridge is a Petrarchan sonnet in which William Wordsworth describes the beauty of the bridge as seen at dawn from the Westminster Bridge. ये जो poem है, ये एक Petrarchan sonnet है. जैसे last poem में हमने बताया था कि Petrarchan sonnet जो होता है दो stanza में divide होता है, एक octave और एक sestet. जो first 8 lines होते हैं वो octave होते हैं और जो remaining 6 lines होते हैं वो sestet है. तो ये poem के आगे के जो octave and sestet है, ये इसके हम rhyme scheme आगे देखते हैं. और ये जब देखते हैं डॉन पे, डॉन इन द सेंस अर्ली मॉर्निंग में, ये जब देखते हैं सुंदरता वेस्टमिंस्टर ब्रिज में से, वो जब देखते हैं सिटी का जो सुंदरता, उसके बारे में वर्णन किया गया है. देन द वर्ल्ड हैज स्टिल टू एक्सपीरियंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. अब इन वर्ल्ड को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अब तक आने ही वाला है, एक्सपीरियंस अब तक उन्होंने किया नहीं है उस चीज के, तब ये पोएम लिखा गया था उस टाइम पर. द पोएट वॉज एनथ्रॉल्ड बाय द पैनोरामिक लैंडस्केप, ब्यूटी, काम एंड क्वाइट नेचर बिफोर हिम. और वो पोएट जो थे, ये जो नजरिया देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड, बहुत ज्यादा थ्रिल्ड हो गए थे. इतना ज्यादा ब्यूटीफुल सीन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था. दिस पोएम वॉज फर्स्ट पब्लिश इन द कलेक्शन ऑफ पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स इन 1807. और इनके जो दो कलेक्शन थे वो तब पब्लिश भी हो चुके थे इनके ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स में. नाउ दिस पोएम दैट इज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज में, द अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर. ये पोएट बता रहे हैं कि इस अर्थ में इससे ज्यादा सुंदर चीज देखने को और कहीं नहीं मिलेगा. फेयर का यहाँ पे मतलब है ब्यूटीनेस, ब्यूटिफुल. इससे ज्यादा ब्यूटिफुल चीज अर्थ में और कहीं कुछ नहीं दिखेगा आपको, जो मैं देख रहा हूं यहाँ पे लंदन ब्रिज के यहां से. डल वुड बी ही ऑफ सोल हु कुड पास बाय अ साइट सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी. तो वो बता रहा है कि यहां से जो गुजर रहे हैं, यहां से जो पास हो रही है ब्रिज से, ऐसा कोई डल ही पर्सन होगा, ऐसा कोई बुद्धू ही पर्सन होगा जो इतना ब्यूटीफुल नजारा देखने के बावजूद उसकी अप्रिसिएशन नहीं करेगा, उसकी तारीफ नहीं करेगा और ऐसे ही वहां से निकल जाएंगे. अ साइट सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी, दिस सिटी नाउ डॉट लाइक अ गारमेंट वेयर. तो वो बोल रहा है इतना ब्यूटीफुल सा, मैजेस्टी वर्ड्स हम यूजुअली यूज करते हैं कोई राजाओं के लिए वगैरह यूज करने के लिए, बट यहाँ पे उसने सिटी को कंपेयर किया है एक बहुत ही रॉयल तरीके से. दिस सिटी नाउ डॉट लाइक अ गारमेंट वेयर द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट बेयर. तो वो यहाँ पे बता रहा है कि सिटी जो है ऐसा लग रहा है, इतना खूबसूरत सा जो नजारा देखने में मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसने बहुत ही आलीशान सा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रेस अपने ऊपर पहना हुआ है. गारमेंट का मतलब होता है ड्रेस, क्लोथ्स. द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट बेयर, और इतना खूबसूरत, बहुत शांति, बहुत ही पीसफुल लग रहा है ये जो इतना अर्ली मॉर्निंग में जब मैं उठ के देख रहा हूं ये नजर. शिप्स, टावर्स, डोम्स, थिएटर्स एंड टेम्पल्स लाई ओपन ऑन टू द फील्ड्स एंड टू द स्काई ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर. तो वो बोल रहा है जब मैं यहां से देख रहा हूं ब्रिज के यहां से, नजर जो देख रहा हूं, नजर
जो सीन मैं देख रहा हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही काम पीसफुल सा सीन लग रहा है और इतना स्मोकलेस। अर्ली मॉर्निंग में जब आप देखोगे यू विल सी द फ्रेश एयर, वहां पे आपको कोई स्मोक वाले एयर नहीं लगेंगे, कंप्लीटली स्मोकलेस एयर, फ्रेश एयर होगा वहां पर, जो जिस वजह से ये सिटी बहुत ही ज्यादा चमक रहा है, ग्लिटर हो रहा है, ब्राइट लग रहा है, पूरा स्काई भी वो बहुत ज्यादा ब्राइट लगने लग रहा है, वो कह रहा है। So here in this stanza, ये जो first 8 lines है, this is octave, जहाँ पे first 8 lines में rhyme scheme होगा A B B A, A B B A, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं grammar part में that is the city now doth like a garment wear, यहाँ पे personification use किया गया है poetic device, why? Because city को, ये सिटी को यहाँ पे उसने किसका ह्यूमन क्वालिटी दिया गया है ऑफ वेयरिंग अ गारमेंट, ऐसा लग रहा है कि सिटी ने बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ है, सो ही इज कंपेयरिंग सिटी विद द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ वेयरिंग अ गारमेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा, नेवर डिड सन मोर ब्यूटिफुली स्टीप इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर वैली रॉक और हिल, नेवर सॉ आई नेवर फेल्ट अ काम सो डीप। अब वो बोल रहा है कि सन के लिए भी इतना बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिला होगा कि इतना अच्छा एक उसको अपॉर्चुनिटी मिला है इतना चमकाने के लिए, इतना अच्छा एक दिन ब्यूटीफुल सा देने के लिए और ज्यादा चमक लेके आने के लिए ये सिटी को। इट हैज फर्स्ट स्प्लेंडर वैली रॉक और हिल, और वैली हो या रॉक हो या हिल हो वो भी ज्यादा चमक उठ रहा है। नेवर सॉ आई नेवर फेल्ट अ काम सो डीप, और इससे पहले मैंने इतना ज्यादा शांति, इतना ज्यादा पीसफुल एटमोसफियर कहीं नहीं देखा। The river glideth at his own sweet will. तो वो बोल रहा है कि river जो है glideth यहाँ पे मतलब होता है to move slowly. Glideth एक old English form है, हम usually glides use करते हैं modern English में, but here it is used as glideth, which means to move along. तो river जो है यहाँ पे move हो रहा है अपने हिसाब से, अपने flow में जा रहा है वो, and it is looking more beautiful, और भी ज्यादा खूबसूरत add कर रहा है यहाँ पे। Now he is asking God, dear God, the very house is same asleep. तो वो बोल रहा है कि dear God, इतने खूबसूरत सा नजारा दिख रहा है यहाँ पर, फिर भी यहाँ पे जो सारे लोग हैं सोए हुए हैं इतने early morning में, they are still asleep, and all that mighty heart is still lying. वो बोल रहे हैं कि इतने सारे खूबसूरत चीज है यहाँ पे, इतना नजर अच्छा दिख रहा है, इतना अच्छा ब्यूटीफुल सीन दिख रहा है, फिर भी लोग यहाँ पे सोए हुए हैं मस्त अच्छे से अपना आराम कर रहे हैं, एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज स्टिल लाइंग, और सब लोग यहाँ पर अपना आराम कर रहे हैं। यहाँ पे इस पोएम पे माइटी हार्ट किसे कंपेयर करके बता रहे हैं, दैट इज मेटाफर, यहाँ पे मेटाफर यूज किया गया है माइटी हार्ट, जिसका मतलब यहाँ पे किया गया है लंडन सिटी के साथ, लंडन सिटी के साथ कंपेयर किया गया, अब कंपेयर हो रहा है दैट मीन्स इट इज यूज एज मेटाफर, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस माइटी हार्ट ये यूज किया है मेटाफर की तरह। सो इन दिस दिस आर द लास्ट 6 lines ऑफ द पोएम, दैट इज 6 lines है यानी कि सेस्टेट है। यहाँ पे राइम स्कीम आपको देखने मिलेगा सी डी सी डी सी डी, तो ये होगा राइम स्कीम। सो दिस वॉज द ब्यूटिफुल पोएम गिवन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, जिन्होंने एक बहुत ही ब्यूटिफुल सा डिस्क्राइब किया है, उन्होंने जो व्यू देखा है, जो सीन देखा है अबाउट द लंडन सिटी, जो अर्ली मॉर्निंग डॉन पे वो उठे हैं और उसके बाद वो जो सुंदरता देख रहे हैं अबाउट शिप्स टावर्स ऑल द ग्लिटरिंग ऑल एवरीथिंग ही इज डिस्क्राइबिंग, वो बता रहे हैं कि कितना खूबसूरत सा भगवान ने बनाया है और वी आर एंजॉयिंग इट, और इससे ज्यादा लंदन से ज्यादा खूबसूरत वाला सिटी और इस दुनिया में कहीं नहीं होगा, अर्थ इससे ज्यादा ब्यूटिफुल सीन दिखाई नहीं सकता, ऐसा वो कह रहा है। सो आई होप एवरी वन हैव अंडरस्टूड द पोएम, थैंक यू एवरी वन।